हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ कार पी ऑन थर्सडे इज व्हाट परसेंट मोर देन स्पीड ऑफ कार क्यू ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पे दो कारें हैं, पी एंड क्यू है। थर्सडे पी की स्पीड निकाल लेंगे और क्यू की स्पीड वेडनेसडे को निकाल लेंगे। फिर देख लेंगे कि पी वाली है वो कितनी ज़्यादा है क्यू से, कितने परसेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ देख सकते हो आप। यहाँ पे कार वाइज है, ये दो दो है, ये कार वाइज है, कार पी का ग्राफ देख सकते हो, कार क्यू का देख सकते हो। और डे वाइज है, यहाँ पे डेज दिए हुए हैं और साथ में ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम ट्रेवल किया। और टोटल दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ कि बोथ कार कवर 450 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन एवरी डे। तो हर एक दिन का जो डिस्टेंस है 450 किलोमीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस है हमारे पास। टाइम हम ग्राफ से ले लेंगे तो स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, यहाँ पे पी का निकाल लेते हैं। सबसे पहले पी का निकाल लेते हैं। स्पीड क्या होती है दोस्तों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, यहाँ पे डिस्टेंस है 450 और टाइम कितना है? टाइम अभी हम पी के लिए निकाल लें और थर्सडे का निकाल लें। तो ग्राफ में ध्यान से देखिए, पी वाला ग्राफ देखिए और थर्सडे का देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2 आवर्स के बराबर जो ग्राफ है, तो यहाँ से 2 आवर्स ले लेते हैं। ये पी का हो गया 250 हो गया 225 सॉरी। और इसी तरह हम अभी क्यू का निकाल लेंगे। सेम फार्मूला रहेगा, क्योंकि वाली स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस सेम है सबका, 450 डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये क्यू की बात चल रही है और क्यू का दिन कौन सा है? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को आप देख सकते हो क्यू ने जो ट्रैवल किया वो 3 घंटे में किया है। ग्राफ में देख सकते हो 3 आवर्स में वेडनेसडे को मैं क्यू कार ने जो ट्रैवल किया, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो इसका स्पीड आ जाएगा 150। तो अभी पता करना कि 150 वाली स्पीड से ये 225 वाली कितनी ज़्यादा है। तो 150 है उसको हम 100% मान के चलेंगे। तो 150 इज इक्वल टू 100, 1 इज इक्वल टू 100 ओवर 150 एंड 225 का पता करना इनटू 225। तो आप देख सकते हैं जो इसका परसेंटेज है वो आ गया 150। और हमने जो क्यू की स्पीड है उसको 150 है उसको हमने 100% माना था, और 225 जो स्पीड है पी की स्पीड है उसका जो परसेंटेज आ गया 150 आ गया। तो कितना डिफरेंस हुआ दोस्तों? 150 आया है और हमने 100 माना था क्यू वाली को, पी वाली का 150 आया। तो डिफरेंस यहाँ पे 50 का आ जाता है, मतलब 50% ज़्यादा पी की जो स्पीड है 50% ज़्यादा है किससे? क्यू से। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।